नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आजेड शुभम सोनी। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दशहरा के बाद पूरे देश भर को इंतजार है अब दीपोत्सव त्योहार का। जी हां, दीपावली में जगमगाहट के साथ इस त्योहार को बड़े ही शान शौकत के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। और आखिरकार इस बढ़ते हुए महंगाई के दर में उत्साह की भावनाओं से किस तरह का रहेगा खास असर, बाजारों में किस तरह है रौनक, साथ ही बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के साथ में क्या कुछ समस्याएं हैं और प्रशासन की चौकसी मिलावटखोरों पर किस तरह रखेगी नजर, पल पल के अपडेट के लिए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से स्पेशल रिपोर्ट। 50 क्विंटल से ज्यादा नकली खोया बरामद, 6 से ज्यादा लोग हिरासत में, कई नामी दुकानों पर छापेमारी, सूचना मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। त्योहार जब भी आते हैं खुशियां साथ लेकर आती हैं, लेकिन कुछ लोग इन त्योहारों में मिलावट घोल देते हैं। कैसे? इन त्योहारों में बंटने वाली मिठाइयों में नकली पदार्थ या केमिकल घोल के, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस पर प्रशासन जो है पहले से ही सतर्क हो गया है और जगह जगह पर इस तरह के नकली खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जा रही है। वही ताजा मामला आजमगढ़ का है, जहां पर 50 क्विंटल नकली खोया बरामद किया गया है और फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उस पर कार्रवाई की गई है। त्योहारों के समय खाने में होती मिलावटों की जांच होती है और कई ऐसी दुकानें सामने आती हैं जिनकी मिठाइयां और खाने की चीजें गुणवत्ता में फेल पाई जाती हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कई लोग इन मिठाइयों को खाकर बीमार पड़ चुके होते हैं और अस्पताल में भर्ती भी होते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इस बार इस मिलावट का खेल बंद होगा, क्या हमारा प्रशासन इस बार मिलावट खोरों को पकड़ने में कामयाब होगा। वैसे तो मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। अभी हाल ही में आजमगढ़ में छापा मार कर फैक्ट्री में तैयार हुए 50 क्विंटल से ज्यादा नकली केमिकल युक्त खोया बरामद किया गया है। 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई नामी दुकानों पर जानकारी मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जहां जहां से मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, वहां वहां पुलिस छापेमारी कर रही है। आगामी दीपावली त्योहार पर आजमगढ़ समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जहरीली मिठाई खिलाने के लिए तैयार हुई नकली खोए से मिठाई वाली फैक्ट्री का आजमगढ़ पुलिस ने देर रात भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री में काम कर रहे 6 लोगों को हिरासत में भी लिया। तो वही पुलिस पकड़े हुए लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। तो वही इस फैक्ट्री का असली सरगना कौन था और कितने पार्टनर इसमें शामिल थे, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर ये खोया सप्लाई होता था, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक नकली फैक्ट्री चल रही है जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोया मिला है, जो नकली बनाया जा रहा था और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोया तैयार कर रहे थे। 750 किलो नकली खोया हुआ बरामद, टेम्पो में लाद कर मंडी ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सैंपल खाद्य विभाग को भेजा। आगरा में भी पुलिस की एक बड़ी सफलता देखने को मिली है। 750 किलो नकली खोया बरामद हुआ है और कुछ लोग नकली खोए को टेम्पो में लाद कर इटावा मंडी में बिक्री के लिए ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार के बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में नकली खोया को बरामद किया। खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर खोए को मूल्यांकन करते हुए जांच के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार हो रहे इस मिलावट के खेल को रोकने के लिए भी प्रयासरत है। जहां से भी उन्हें सूचना मिल रही है, छापेमार कार्रवाई करते हुए नकली खाने की चीजों को नष्ट कर रही है और खाद्य विभाग को जांच के लिए भी भेज रही है। और अगर बात इसमें देखी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की, इसके लिए खासे कड़े इंतजाम भी अब देखे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बाजारों में गश्त कर रही है। चौराहों पर ट्रैफिक का सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और प्रशासन कृत संकल्प है। कोई भी उपद्रवी किसी भी तरह से माहौल खराब न करे और आम जनमानस के रूप में दीपावली का यह भव्य त्योहार बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया जा सके।
दिवाली के त्योहार में कहीं चूक ना हो सके और लोग निरंतर उत्साह के साथ दिवाली का त्योहार मना सके, ऐसे में सहारनपुर पुलिस ने कमर कस ली है। सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं देखिए। विशेष महिला पुलिस दलों की होगी तैनाती। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की नजर। सहारनपुर पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस दलों की तैनाती भी की जाएगी। तो वहीं इन दलों का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे कि बाजार, मंदिर और मेले स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। सहारनपुर से हमारे संवाददाता अनूप कुमार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित साजवान ने व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी दी। श्री राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या नगरी में त्रेता जैसा नजारा पहली बार देखने को मिलेगा। 500 वर्षों के बाद लगभग 25 लाख दीपों से पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का यह खासा त्योहार मनाया जाएगा और इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी एक मेक इन इंडिया की कुछ तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ तैयारियों में मिट्टी के जो दिए होते हैं उसमें खासा असर किस तरह दुकानदारों को उत्साही के साथ देखा जा रहा है, चलिए दिखाते हैं खास झलकियां। अयोध्या में दीपोत्सव बेहद भव्य। दीपोत्सव में 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या रामनगरी में होने वाले दीपोत्सव को लेकर मंडलायुक्त गौरव दयाल ने भी बताया कि इस बार दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी इसके साथ दीपोत्सव के आयोजन को भव्य बनाने के साथ साथ श्रद्धालु की सुरक्षा पर भी प्रशासन ने विशेष ध्यान आकर्षित किया है। मंडलायुक्त ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात किया जाएगा और आने वाले इन श्रद्धालुओं की भीड़ को भी ध्यान में रखते हुए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी या फिर समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस बार दीपोत्सव होगा खास और इसी के साथ मंडलायुक्त ने टीवी 100 से की खास बातचीत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हर साल दीपावली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दीपावली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने पूरी तरह व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इस बार भी दिवाली का लोगों में खास उत्साह। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ाई सख्ती। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ हमेशा से मनाया जाता है। इस बार भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ समेत जिले के सभी प्रमुख स्थानों जैसे अगस्त मुनि, सोनप्रयाग और तलवाड़ा में लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाते हुए दिवाली मना रहे हैं। केदारनाथ धाम में विशेष पूजा और सजावट की व्यवस्था की गई है, जहाँ भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं और मंदिर को दीपों से सजाया जाता है। वहीं गली मोहल्लों में भी रोशनी से जगमगाहट दिवाली के त्योहार को और भी यादगार बनाती है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई है और भीड़ प्रबंधन के साथ साथ आतिशबाजी को नियंत्रित करने पर भी ध्यान दिया गया है। इससे यातायात और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा होने से बचाया जा सकेगा। त्योहार का मौसम है, दीपावली की पर्व की धूम है। निश्चित तौर पर इस पूरे देश में दीपावली पर्व बड़े शान से मनाया जाता है, लेकिन इस दीपावली पर्व पर सबसे ज्यादा अगर जनता के साथ धोखा होता है तो वो होता है मिलावट के खेल को लेकर के। कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर होते हैं, मिठाइयों की दुकान पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन उस मिठाई में आखिर है क्या, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि क्या प्रशासन इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गया है। उससे भी बड़ा मुद्दा कि क्या जो सुरक्षा व्यवस्था है, बाजार में इतनी सारी भीड़ चल रही है, ट्रैफिक की समस्या को लोग जूझते दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं रुद्रपुर से संदीप कुमार लाइव हूं। मेरे साथ में यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, सर दीपावली का पर्व आ चुका है, कैसे देख रहे हैं आप? मिठाई लेने के लिए जाएंगे लेकिन नकली मिठाइयां, नकली मावा, बहुत सारी मिलावटखोरी लगातार जारी है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। मिलावट दूध की मात्रा बहुत कम है और
मावे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं जो कि सारा मावा नकली आता है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है इन बातों पे, और पूरी टोटल रुद्रपुर में नकली मिठाई बनाई जाती है। और ये त्यौहार पे नहीं, ये कभी भी आप देख लो, ये नकली मावा और ये हमेशा पूरी सालों साल चलता है। प्रशासन यहाँ पे फेल है, और सुरक्षा को लेके भी मैंने तो कहीं देखा नहीं कि इतनी भीड़ चल रही है। सुरक्षा को लेके भी कोई पुलिस प्रशासन या कहीं भी कोई सचेत नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, और प्रशासन फेल है अभी। मेरे साथ में एक बुजुर्ग अंकल जी भी मेरे साथ में मौजूद है। अंकल जी, चूंकि आपने तो बहुत सारी दीपावली होली मनाई है, कैसे देखते हैं पहले के जमाने में जो मिठाइयाँ बनती थी, घर का दूध हुआ करता था, क्या आज भी उसी तरीके से लोग देखते हैं? जो पहले होती थी वो तो अपने मिठाई अपने घर के दूध की होती थी, घर की भैंसे गाय रखी जाती थी, और वो बिल्कुल मिलावट नहीं होती थी, प्योर दूध होता था, और इतनी इतनी मलाई ऊपर आती थी दूध के जब गर्म करो थे। अब तो पता नहीं क्या डालते हैं, मलाई आती मगर उसमें असर नहीं होता, इतनी मिलावट होती है कि बूझो कुछ। और रेट जो आसमान को छू रहे हैं, गरीब आदमी दूध ले नहीं सकता, चाय पीने चीनी भी महंगी है, पत्ती वो सब कुछ ऐसा ही है, मतलब बात क्या है, हर चीज मिलावट हो रही है। मिलावट के साथ में जो एक बात सामने आई वो महंगाई का रंग भी कहीं ना कहीं उनकी जो रसोई है उसको फीका कर रहा है। मेरे साथ दूसरे भाई साहब भी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं त्योहारों में सुरक्षा को लेकर के, क्या पुलिस प्रशासन जनपद उधम सिंह नगर में या कहीं पे बाहर पुख्ता दिखाई दे रहा है आपको? देखो, शाम की स्थिति ये रहती है, शाम के 5 बजे से 8 बजे तक पूरा ट्रैफिक बना रहता है। अगर आप सिडकुल से स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा आपको पहुँचने में लग जाता अपने घर, किसी भी रोड पर निकल जाएं आप, चाहे आपका काशीपुर बाईपास हो या आपका मेन हाईवे हो, सब पे ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी ही ख़राब है पूरी तरह से। आपको इतना टाइम लग रहा है कि आप उसमें कहीं कोई हिसाब नहीं है, टेम्पो वाला कहीं से भी घुमा रहा, वहीं पुलिस प्रशासन खड़ा, वहीं टेम्पो वाला यू टर्न, वो जो जहाँ से घुमाना चाहिए वहाँ से नहीं, वो किसी भी कट से घुमा रहा, कोई हिसाब किताब नहीं है। दिवाली में मिठाइयों का रंग फीका पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दूध का तो इतना मिलावट है, कोई हिसाब नहीं है दूध का, दूध इतना है नहीं जितना, मतलब हमारे पास प्रोडक्शन नहीं, उससे ज्यादा हम क्या कहते हैं यहाँ बेच रहे हैं, आ कहाँ से रहे आखिरकार दूध कहाँ से आ रहा है? क्योंकि दीपावली का पर्व है, मिठाइयाँ हर दुकान पे मिलेंगी आपको, यहाँ पे बढ़िया सजा करके लोग रखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर वो खा क्या रहे हैं, मिठाई के नाम पर कहीं जहर तो नहीं परोसा जा रहा है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ये जहरी परोसा जा रहा है। आप देखिए, इतनी दूध की खपत नहीं है, उस हिसाब से जितनी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं कैसे मैनेज हो रही हैं चीज़ें, आप ये देखिए। दिवाली पर हम क्यों ऐसी बात करते हैं, प्रशासन को तो हर समय सचेत रहना चाहिए, चाहे वो दिवाली का मौका हो या अदरवाइज़ कोई भी ओकेज़न हो, आप जाइए वहाँ पर चेक करिए। कई बार मैं देखता हूँ न्यूज़ में बहुत से ऐसे व्यूज़ आते हैं लोगों के कि प्रशासन ने यहाँ छापा मारा, यहाँ ऐसा पकड़ा गया, यहाँ ऐसा पकड़ा गया। सिमिलरली आज ही हम इस बात को कर रहे हैं, हम हर समय ऐसी क्यों नहीं बात करते, ये देखना चाहिए ना, और कड़ा रुख अपनाना चाहिए ऐसे दुकानदारों के लिए। और इस पे प्रॉपर घर, जो भी हम लोग जो भी मिठाई के इतने शौकीन हैं, सब कुछ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें घर पे इस चीज़ को बनाना चाहिए। हम चाहे घर पे ड्राई फ्रूट का सेवन करें, कुछ भी करें, ऐसा भी कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम अवॉइड करें, क्योंकि आज की डेट में इतने रोग बढ़ रहे हैं शरीर में, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ नुकसान दे रही है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रतिरोधक क्षमता, अगर आप नकली मावा खाएंगे, नकली दूध पिएंगे, तो निश्चित तौर पर शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगी। मेरे साथ में दूसरे युवा भी मौजूद हैं। क्या काम करते हो? पेंटर हैं। मिठाइयाँ तो लेंगे, दिवाली पर्व आ रहा है, तो कैसे मिठाइयाँ, क्या उसी स्वाद की मिल रही है जब आप छोटे थे तो उसी तरह से खाते थे? ना, अब उसी टाइप का नहीं मिल रहा है, अब जो मिल रहा है मतलब सब नकली लग रहा है मेरे को। नकली मिल रहा है? पहले जो टेस्टी था, अब टेस्टी पूरा अलग हो गया, टेस्ट पूरा अलग हो गया है। और सुरक्षा को लेकर के, चूंकि बाइक चलते होंगे, क्या लगता है जिले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? सुरक्षा देखो, जैसे मतलब जो चौराहे होता है, जो हम लोग जाते हैं, कोई अगर मतलब अचानक चला जाता है, जो पुलिस प्रशासन है वो उतना ध्यान नहीं देता, तो ये आपको मतलब ध्यान देना चाहिए, आप ध्यान देना चाहिए। मुद्दे दूसरे बहुत सारे हैं मेरे साथ में, मैं चलते चलते एक बार फिर से रुक करूंगा भाई साहब, एक बार आपसे चलते चलते और बात करूंगा। ओवरलोडिंग की बड़ी समस्या आ रही है, त्यौहार अपनी तरफ है, लोग बाजार की तरफ भीड़ में जा रहे हैं, ऊपर से ट्रकों की ओवरलोडिंग वो लगातार देखने को मिल रही है। ओवरलोडिंग का टाइम होना चाहिए, पहली बात ओवरलोडिंग होना ही नहीं चाहिए, प्रशासन यहाँ भी बहुत फेल है, हर चीज़ ओवरलोडिंग होती है, कॉलोनियों की सड़कें सब टूट गई हैं, ओवरलोडिंग ट्रक आते हैं, जो 150 क्विंटल रेता आना चाहिए वो 400-400 क्विंटल रेता आता है ट्रकों में, इसको तो प्रशासन फेल, यहाँ तो प्रशासन बिल्कुल फेल है। और मैं तो प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा, देखो ये मिठाइयों पे नकली मावे पे कंट्रोल करा जाए, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं इनको, किडनियाँ लीवर छोटे छोटे बच्चों के फेल हो रहे हैं, जो अभी बेचारे अभी कुछ जानते भी नहीं है, और नकली मावे इनको लेकर तो बहुत सख्ताई करनी चाहिए। एक बड़ा मुद्दा और भी है, पटाखे, दीपावली में लोग बेजान पटाखे चलाते हैं, खूब बड़े बड़े बारूद जैसे पटाखे चलाते हैं, पटाखे भी मेरे हिसाब से तो बहुत कम होना चाहिए, इससे प्रदूषण भी होता है और सुरक्षा भी बहुत कम है, बच्चे उनके किसी के हाथ जल जाते हैं, किसी का कुछ जल जाता है, प्रदूषण अलग होता है, इस पर भी कुछ ना कुछ कानून ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम
होना चाहिए ये पटाखे का। निश्चित तौर पर त्यौहार का वास्तविक मतलब है खुशियाँ, और खुशियाँ तब आती हैं जब आपका शरीर और परिवार स्वस्थ होता है। स्वस्थ कैसे होगा? अगर आप नकली मावा, नकली मिठाई की जो बनी हुई चीजें हैं वो खाएंगे तो निश्चित तौर पर शरीर में कोई ना कोई रोग जरूर आपके शरीर में आएगा। ये दिवाली सुरक्षित मनाइए, ये दिवाली खुशियों से मनाइए, और कहीं ना कहीं अपने आप में जागरूक बनिए। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ में संदीप कुमार, टीवी 100 रुद्रपुर। गाजियाबाद में दिवाली की खूब तैयारियां। कुम्हार लगन के साथ दिए बनाने में जुटे। गाजियाबाद में दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ बाजारों में रौनकें देखी जा रही हैं, और खास तौर से इस दिवाली जो के अक्सर चार चांद लगाते हैं वो है मिट्टी के दिए, इसको भी लेकर बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। और खास तौर से गाजियाबाद के जटवारा इलाके के कुम्हारों की अगर बात करें तो वो भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिट्टी के दिए बनाने में वो जुटे हुए हैं। और ये कहते हुए भी कि बनाकर दिए मिट्टी के, जरा सी आस पाली है, मेरी मेहनत खरीदो यारो, मेरे घर भी दिवाली है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता वैभव शर्मा ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से दिखाया कि आखिर कितना खासा उत्साह क्षेत्र में देखा जा रहा है। लोगों से लेकर दुकानों में भी खासा उत्साह है। वहीं जटवाड़ा के एक कुम्हार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से यह काम कर रहे हैं और इस बार दियों की मांग में खासा वृद्धि देखी गई है। उनका कहना है कि पर्यावरण अनुकूल होने के कारण लोग अब प्लास्टिक और बिजली के दियों की बजाय मिट्टी के दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिवाली के त्यौहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जहां लोग अपनी दिवाली की खरीदारी में व्यस्त हैं, तो वहीं लखनऊ पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए सक्रिय है। हर मंडल में सुपर स्पेशलिटी लैब, 12 मंडल में बन रही नई लैब, मार्च 2025 से लैब में काम शुरू, एक साल में 1.08 लाख सैंपल की होगी जांच। अभी सिर्फ 30,000 सैंपल की जांच हो पाती है। लखनऊ पुलिस ने इस बार दिवाली के त्योहार को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही पुलिस ने त्योहार के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इस प्रकार लखनऊ पुलिस इस दिवाली पर सुरक्षा को लेकर एक अलग ही अंदाज में काम कर रही है, ताकि नागरिकों को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके। दिवाली के त्योहार को देखते हुए लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा आदि त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश में आगामी 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि सभी पर्व त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें, अराजक तत्वों से सख्ती के साथ निपटें तथा सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें। फेक न्यूज फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर विलंब किए बिना दीपावली से पहले निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। शहर में श्रद्धालुओं की दिखने लगी है भीड़। मिलावटी मिठाइयों से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन तैयार। धर्मनगरी हरिद्वार में भी दिवाली का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की गलियों में दीप जलाए जा रहे हैं और मंदिरों में भी खासा विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत की गई है। शहर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होने लगी है। दिवाली के इस पावन पर्व को मनाने के लिए हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है, और इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन ने भी मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना ली है। वही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलावट की जानकारी मिलने के बाद दबिश देते हुए जांच के लिए सैंपल भी भेजे हैं, और ऐसी विशेष दल टीमों को भी गठित किया है जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि दिवाली के दौरान लोग शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां और खाद्य सामग्री का सेवन कर सकें।
देश की राजधानी में दिवाली के त्योहार पे एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण का खतरा भी यहाँ पर बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अवनीश के साथ प्रेम कश्यप की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली से पहले जल के साथ वायु प्रदूषण का खतरा। सरकार ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई। दिल्ली में दिवाली का उत्साह चरम पर है, लेकिन इसके साथ ही जल और वायु प्रदूषण का खतरा भी गहराता जा रहा है। दिवाली के मौके पर पटाखों के चलते वायु में प्रदूषण बढ़ने का अंदेशा है, जो पहले से ही उच्च स्तर पर है। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई और लोगों से अनुरोध किया कि वे पटाखों का उपयोग ना करें। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो आपने देखी है स्पेशल रिपोर्ट और जाने देश के अलग अलग राज्यों में हाल की आखिरकार दिवाली का किस तरह लोगों को है इंतजार। तो वहीं बढ़ते हुए वायु प्रदूषण जल प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ मुहिम अपनाई है, इसके साथ मिठाई और लोगों के स्वाद में कहीं खटास लाते हुए यहां पर बड़ी समस्या के रूप में मिलावट खोरों पर भी सिकंजा कसने के लिए देखा आपने प्रशासन की चाक चौकसी का पूरा इंतजाम। तमाम अपडेट के लिए लगातार देखते रहे टीवी 100, साथ ही साथ आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल टीवी 100 अब देखना ना भूलें। टाटा प्ले के 540 नंबर के साथ नमस्कार।